आप देख रहे हैं चौहान वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट के बारे में। जून 2022 का एग्ज़ाम जो स्टूडेंट देना चाहते हैं उनके लिए असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट कितनी और आगे एक्सटेंड की जाएगी उसके ऊपर इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इग्नू से रिलेटेड सभी तरीके की जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये वो नोटिस है जो कि इग्नू की तरफ से आपके लिए 16 अप्रैल 2022 को जारी किया गया था, जब आपके लिए असाइनमेंट सबमिट करने की जो लास्ट डेट थी वो 15 अप्रैल 2022 थी। उसके बाद इसमें असाइनमेंट सबमिशन की जो लास्ट डेट है उसको आगे एक्सटेंड करके 15 मई 2022 कर दिया था, यानी कि जून 2022 का एग्ज़ाम जो भी स्टूडेंट देना चाहते हैं उनके लिए लास्ट डेट 15 मई 2022 कर दी गई थी। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अपना असाइनमेंट को प्रिपेयर कर लिया होगा और अब सबमिट करने की तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके लिए अब काफ़ी समय बचा हुआ है कि वो अपने असाइनमेंट को सबमिट कर पाए। लेकिन अगर अभी भी काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अभी बनाना शुरू ही किया होगा, उन्हें 6 असाइनमेंट 7 असाइनमेंट बनाने हैं, तो इतने सारे असाइनमेंट एक महीने के अंदर बनना पॉसिबल नहीं होता, तो उनको थोड़ा सा और टाइम चाहिए अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करने के लिए। 15 मई 2022 आने में अब लगभग 10 से 11 दिन का समय बाकी है। तो क्या अब आगे भी असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट एक्सटेंड की जाएगी? उसके ऊपर मैं आपको सीधा जवाब देता हूँ कि असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट 15 मई 2022 के बाद भी एक्सटेंड की जाएगी, और पूरी उम्मीद है कि 30 मई 2022 तक का आपको समय मिलेगा असाइनमेंट सबमिट करने के लिए। तो आपको 30 मई 2022 तक आप अपने असाइनमेंट सबमिट कर पाएंगे। जब 15 मई 2022 आएगा यानी कि असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट बिल्कुल नज़दीक आ जाएगी, तब इग्नू की तरफ से एक नया नोटिस जारी किया जाएगा जिसमें 30 मई 2022 तक के लिए आपके लिए असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो आप 30 मई को लास्ट डेट समझकर अपने असाइनमेंट्स को बनाना शुरू कर दीजिए, असाइनमेंट को प्रिपेयर कीजिए। जब आपके असाइनमेंट पूरे बन जाएंगे उसके बाद फिर आपके रीजनल सेंटर ने ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करने को कहा है या फिर ऑफलाइन असाइनमेंट सबमिट करने को कहा है, जैसे भी कहा है उस प्रोसीजर के जरिए आप अपने असाइनमेंट्स को सबमिट कर दीजिए। असाइनमेंट सबमिशन के लास्ट डेट जो है वो 15 मई के बाद भी एक्सटेंड की जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।